नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर थाना रेल बाजार के अंतर्गत खपरा मोहल निवासी, जो कि दैनिक पेपर से पत्रकार हैं, 31 की रात को घर से निकले पत्रकार आशु यादव। 1/1/2020 तारीख को सुबह परिवारजनों ने देखा कि घर के बाहर आशु की चार पहिया नहीं खड़ी हुई है तथा आशु घर पर भी नहीं है। पत्रकार आशु यादव के परिवारजनों ने आनन फानन आशु यादव को ढूंढना चालू कर दिया तथा 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। आशु यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पास के थाने में दी। सूचना मिलते ही पत्रकार आशु यादव की छानबीन पुलिस ने करना शुरू कर दिया था। 2 तारीख को कानपुर की CTI निकट सरस्वती शिशु मंदिर नहर के किनारे आशु यादव की कार में आशु की डेड बॉडी पाई गई। आशु यादव की डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना रेल बाजार व थाना बर्रा पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीम भी गठित की, जिसके 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस के बयान के अनुसार 2 मुख्य आरोपी दीपिका शुक्ला व अमित गुप्ता, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। पत्रकार आशु यादव की बहन सानू ने लगाया राजू पार्षद के ऊपर आशु यादव की हत्या का आरोप। कुछ दिन पूर्व हुआ था राजू पार्षद तथा उनके बेटे आदित्य सोनकर सोनटू सोनकर से झगड़ा। सोनकर जनों के परिवारजनों ने आशु को बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी किया था व आशु के गले में पड़ी सोने की चेन व अंगूठी लूट ली थी, जिसकी शिकायत थाना रेल बाजार में आशु के परिवारजनों ने की थी। पुलिस प्रशासन का ढीला ढाला रवैया देखकर परिवारजनों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन को जमकर कोसा। इस मौके पर सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। मृतक पत्रकार आशु यादव के परिवारजन, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब के अध्यक्ष फिरोज खान, महामंत्री मयंक मिश्रा सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश यादव, समीर खान, अनामिका यादव, कई सदस्य मौजूद रहे। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की पूरी टीम ने कैंडल मार्च में शामिल होकर मृतक परिवार आशु यादव के परिवारजनों से कहा कि आरोपी जल्द ही होंगे पुलिस की गिरफ्त में। इस मौके पर वीके सिंह, राष्ट्रीय महासचिव ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, प्रियंका यादव कानूनी सलाहकार ऑपरेशन विजय, अनीता यादव महिला प्रभारी ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग प्रखर पाठक, सौरभ कुमार, पंकज कुमार दीक्षित जिला अध्यक्ष ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, मौके पर ऑपरेशन विजय के कई सदस्य मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक फैसला का प्रेसिडेंट हूँ और जिस दिन से ये हत्या हुई उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि हमारा पत्रकार बंधु है, हमारा साथी था और उसके लिए जिस तरीके से उसकी हत्या की गई और बॉडी उसकी पड़ी रही, प्रशासन के आला अधिकारी आए दिन निकलते हैं इधर से उधर और किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये बड़ा अचंभे की बात है कि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है, उसमें बॉडी पड़ी है और किसी को नज़र नहीं आई, राह चलते हुए भी लोगों ने नहीं देखा। इससे बात सामने आ जाती है कि आज इंसानियत मर चुकी है, लोगों के अंदर कोई हृदय नहीं रह गया। हमने उस दिन भी धरने में कहा था और फिर दोबारा कह रहे हैं कि आशु यादव के परिवार को पूरा जो भी सहयोग है प्रशासन शासन करे और जो दोषी है उनको तत्काल गिरफ्तार करें। बार बार ये बताना कि लोकेशन वहाँ है, तो आखिर कौन सा लोकेशन है जो हिंदुस्तान के बाहर चला गया, उन पकड़ नहीं पा रहे। तत्काल पकड़े उनको और हमारी डिमांड थी कि इस पूरी कार्रवाई में जो सच है वो सामने लाया जाए। कभी ये बता देना कि किसी सभासद से दुश्मनी थी, कभी ये बताना कि किसी औरत से उसका अफेयर था, ये बात गलत है। आदमी मर गया है तो जब वो मर गया है तो उसके लिए सांत्वना होना चाहिए, उसके परिवार के लिए भी सांत्वना होना चाहिए, उसके लिए सही उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही डिमांड है। एक पत्रकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जैसे उसकी पत्नी को, और अगर हो सके तो CBI इंक्वायरी कराई जाए या स्टेट लेवल पे किसी बड़ी एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाए कि आखिर इस मामले को इस तरीके से क्यों छुपाया जा रहा है। आज 13 दिन हो गए लेकिन पत्रकार को कहना बहुत बड़ी बात है, ये पत्रकारों को गाली बकना है। कल तक वो पत्रकार था, आज वो पत्रकार नहीं है तो आप उसको अपराधी करो, इसका मतलब पत्रकार जगत को गाली बक रहे हो आप, पत्रकारों को गाली बक रहे हो आप। हम ये चाहेंगे कि शासन प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करे जो बार बार उसको हत्यारा और ये सब लिख के उसकी छाप रहे हैं। पीछे बहुत सारे बड़े हाथ हैं और वो अभी संरक्षण दे रहे हैं, नहीं तो आप बताइए बड़े से बड़ा मैटर अभी हमारा बिद्रू कांड में बहुत इतनी जल्दी पुलिस प्रशासन ने जो है उस मैटर को खोल दिया, सारे आरोपियों को मार दिया, लेकिन क्योंकि ये मैटर हमारा प्रेस मीडिया से जुड़ा हुआ है, हमारे पत्रकार बंधुओं से जुड़ा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया जो कि भारत का चौथा स्तंभ है, जो पीड़ित परिवारों की आवाज़ उठाता है, पीड़ित परिवारों के लिए लड़ता है, अगर उनकी आवाज़ को ऐसे दबा दिया जाएगा तो आम जनता के संग क्या हर्ष होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। राजू अपना ये देखो,
लिखा हुआ है। राजू अपना अधिष्ठ सोन का सोनू सोन कर, इन लोगों ने आंसू यादव को मारने की धमकी दी थी, ये देखिए। और अमित गुप्ता है जो इसमें फरार चल रहा है, वो भी इनके बहुत क्लोज है, ये देखिए। तो ये एप्लीकेशन कहाँ दी गई है? मुख्यमंत्री को दी गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है, हमारे कैंट सीओ को दी गई है, थाना रेल बाजार में दी गई है, सबको दी गई है। बस ये मेरे साथ प्रूफ, मेरे पास ये सारे उसके प्रूफ है, उसके ये देखिए साइन भी है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट प्रियंका, ऑपरेशन मुझे ब्रायन क्लॉक जंग, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शम्भुनाथ सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे कैंडल मार्च में शामिल हुए, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर पीके सिंह उनके नेतृत्व में हमने आज कैंडल मार्च में शामिल हुए। तो जो कि जैसे कि हमारे आशु यादव, जो हमारे मीडिया परिवार है, उसका एक हमारा जो मेन शख्स जो आशु यादव जो हमने खोया है, उसका ऑपरेशन मुझे बहुत ही बड़ा खेद है, और ऑपरेशन मुझे पूरी तरीके से उनके साथ है, जिस कदम में जिस जगह जहाँ पे आना होगा हम वहाँ पूरी तरीके से आएंगे, जो जैसी जरूरत हो, जैसे कि हमारे ऑपरेशन की मांगे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो रखी है, उनके लिए हम पूरे अमल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और हमारा पूरा ऑपरेशन मुझे इन परिवार के साथ है।